आज हम एशियन समाचार के तरफ से शकीला खान पश्चिम अध्यक्ष, जिन्होंने आज शरद पवार साहब के तरफ से जो एक ज्ञानदीप सम्मान समारोह रखा है, महिला आघाड़ी के राष्ट्रवादी के पूरे अध्यक्ष और महासचिव सब यहाँ पर ही है। माननीय माननीय शरद चंद्र जी पवार साहब जो उनके नेता है, उनके 12 दिसंबर को 80 साल हो गए। शाहबाजी और सेंटर के अध्यक्ष शकीला खान होलकर तई वैशाली तई यहाँ पे आई हुई मेरी बहनों, और हमको इतने कम वक्त में हमारी मेरी जो ये साथी है शकीला बाजी, इनको बहुत कम वक्त में जिन्होंने अपना स्कूल करा के दिया प्रोग्राम के लिए और सबका इस्तेमाल करने का हमको मौका दिया, हमारे साथ हमेशा हमारे पीछे खड़े रह के हम लोगों को सपोर्ट करना है, हमारे सलीम सर, इनका मैं पहले शुक्रिया अदा करती हूँ। आदरणीय पवार साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है, हम लोग उतना कह नहीं सकते क्योंकि पवार साहब का काम इतना बड़ा है, आप सब लोग जानते हैं। आज 80 साल की उम्र में भी पूरा दिन मतलब 24 घंटे काम करने वाला नेता अगर कोई है तो पवार साहब है। उनके पास हर मसले का हल होता है, उनका काम करने का तरीका ऐसा कि बाद में पता चलता है कि ये काम पवार साहब ने किया। हम लोगों को जानना इतना ही कि महिला धोरण का अगर किसी ने काम किया तो पवार साहब ने किया था। आज महिला धोरण को 25 साल हो रहे, उसके बाद महिला आरक्षण 30% अगर स्थानीय स्वराज्य संस्था में हमें निमिली जगह तो पवार साहब का था। आज 50% आरक्षण हो गया, आज महानगर पालिका में 50% अपनी लेडीज जाएगी, उसमें हमारी बहनें कितने रहती है। अभी औरंगाबाद सिटी से 3 थी, उसमें भी अपनी माइनॉरिटी के 2 लेडीज थे, ये काम पवार साहब ने किया है। हम सब लोग अपने अपने फील्ड में आगे आके काम कर रहे हैं, आज टीचर्स होंगे हर फील्ड में लेडीज होंगी, वो पवार साहब की वजह से है। अपना हर स्कूल में जो आप अपने काम के जरिए अपना एक अस्तित्व तैयार करते हैं उसका काम पवार साहब की वजह से हुआ। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार फौजिया खान मैडम, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रूपाली तई चाकरकर, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम हासिल किया है। ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि अपने लेडीज का अगर इस्तेमाल होता है तो पावर हौसला अफजाई मिलती है और काम करने के लिए उन्हें आगे ताकत मिलती है। तो इसलिए हमने सिटी में पूरे औरंगाबाद शहर में 300 लेडीज का सत्कार मेरे शहर की तरफ से हो रहा है, वैसे ग्रामीण में सरपंच होंगे, कोई ग्राम सेविका होंगी, उनका सत्कार ग्रामीण के अध्यक्ष कर रहे हैं। तो औरंगाबाद सिटी में अपने बहुत से मतलब माइनॉरिटी के जितने अच्छे स्कूल है वहाँ पे प्रोग्राम लेके हमने इस्तेमाल किया है। आज जितने भी टीचर्स को यहाँ सम्मान किया जाएगा उसका ज्ञानदायी नहीं गौरव बल्कि सम्मान कर रहे हैं, ये इसका नाम भी अपने पवार साहब तक जाने वाला है और जितने इसमें ज़्यादा होंगे हमको पवार साहब के हाथ से उनका इस्तेमाल बाद में होने वाला है वो अध्यक्ष का। तो इतने कम समय में हमको हमेशा साथ देने वाले सलीम भाई का, उनके पूरे स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों को भी जहाँ भी हमारी ज़रूरत लगेगी, हम पॉलिटिक्स में इसलिए कि सोशल वर्क भी कर सकें, अपने माइनॉरिटी के लोगों के कुछ मसले होते हैं कुल हल होते वो मसले हल करने का काम इस जरिए से होता है, इसलिए हमारी पूरी टीम मेरे पूरे सहकारी रात दिन हम लोग काम करते हैं। आपको जहाँ भी ज़रूरत हमारी लगेगी हम करेंगे, इस वार्ड से आपके लिए अपने माइनॉरिटी के जो भी मसले होंगे वो हल करने के लिए सलमा बाजी हम लोग सब तैयार ही है। आपका भी जो एजुकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होंगे सलीम सर, तो इतना है कि अभी पदवीधर के इलेक्शन में सतीश भाव को चुन के लाने में माइनॉरिटी में पूरे सिटी में अगर ज़्यादा काम होगा तो सलीम भाई के संगठन। तो ये सलीम भाई के साथ हमारे संगठन के बहुत सारे ताल्लुक आते हैं, हमारा भी डीएड स्कूल वगैरह था स्कूल है तो इसलिए हमारे ताल्लुक आते हैं, इसलिए हमको सब मसले मालूम है। तो पदवीधर के इलेक्शन में हम लोगों ने इतना बड़ा काम किया, माइनॉरिटी के जितने भी वोटिंग है हम किसी को नहीं जाते, हमेशा सतीश भाव को चुन के लाते हैं और हम हक से वहाँ जाके बोल सकते हैं उनको कि हमारा एक काम है। तो सतीश भाव भी हमेशा हम लोगों का सबका हौसला ही अफजाई करते हैं। सभी राष्ट्रवादी के नेता अपने पीछे है, आपको जहाँ भी ज़रूरत लगेगी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे से मसला हल हो, इतना ही कही थी वो। इसके बाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए शकीला बाजी को बहुत साथ देने वाले परवेश सर और उनके पूरे स्कूल का स्टाफ का मैं हमारी पार्टी की तरफ से मेरे खुद की तरफ से इससे का शुक्रिया अदा करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पूरे देश के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का कल 80वां जन्मदिन हुआ, उस जन्मदिन के मौके पर पूरे महाराष्ट्र में हम सब लेडीज का ही इस्तेमाल करके एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अवसर पर आज आई हुई हमारे यहाँ राष्ट्रीय सचिव वीना तई खरे, अल्पसंख्यक के सचिव गजाला बाजी, सालगिरह हमारे पास मनाई जा रही है। इस जीवन में राष्ट्रवादी महिला आघाड़ी की जानिब से औरंगाबाद जिले के
जो होनहार टीचर्स हैं जिन्होंने अच्छा काम किया उनका वो सम्मान करने जा रहे हैं, उन्होंने वो उनके लिए प्रमाण पत्र वगैरह दे के उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसकी वजह से ये होता है कि टीचर्स को ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं समाज हमारे काम की दखल लेता है, कहीं ना कहीं हमारा काम को माना जाता है और उनका सत्कार होता है और टीचर पे और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है कि ऐसे सत्कार मिलने से और उन्हें अच्छा काम करने की हिम्मत मिलती है समाज में, उनको कहीं ना कहीं अपने काम के नोटिस लिया जाता है। इस तरह समझते हुए कि हमारा स्कूल भी जमजम उर्दू प्राइमरी स्कूल सादत नगर भी पिछले 30 साल से इसी झोपड़पट्टी एरिया में अपनी तालीम मान की खदमात अंजाम दे रहा है और इससे हमें बहुत खुशी है। इस मौके पर इन्होंने हमारे टीचर्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया, हमारे स्कूल के लेडीज टीचर को खासकर जिन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे टीचर्स का साथ ने और पूरे महीने में एक तालीम का माहौल बने हुआ है यहाँ पर, इसको हमारे कबूल करते हुए यहाँ ये लोग आए हमारे टीचर्स का इस्तेमाल किया, इसलिए हम उनका सबका धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया। पवार साहब के 30वीं सालगिरह के मौके पर जमजम स्कूल के स्कूल महानिदेशक ने यहाँ पर और उनको ज्ञानी गौरव सम्मान दिया और कॉरपोरेशन के अपने जो खुशन है जैसा उनका भी हमने टीचर्स लोगों का ये करे और तहे दिल से शुक्रिया मैं करती हूँ कि जमजम स्कूल के जो अपने सलीम सर हैं और परवेश सर, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारा मतलब गाइडेंस की है, तहे दिल से उनका शुक्रिया। और हमारे यहाँ पर सब आए हुए सीनियर हमारे पदाधिकारी उनका भी तहे दिल से मैं इस्तकबाल करती हूँ और तहे दिल से मैं करती हूँ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मंजूषा पवार के इस्तकबाल शानबाजी करेंगे शहनाज कौशल।
नारेबाजी करेंगे, भरपूर तालियों से तबाह करें। शहर उपाध्यक्ष अनीसा खान साहिबा का इस्तकबाल आसनबाजी करेंगे। अभी अभी हमारे बीच में कविता खोड़कर साहिबा तशरीफ लाए हैं और वैशाली साहिबा भी है क्या जी, और वैशाली साहिबा भी आए हैं तो उनका भी इस्तकबाल किया जाएगा इंशाल्लाह। अनीसा खान हो गए कविता खोड़कर साहिबा का इस्तकबाल चलिए सदर काजी करेंगे। कविता खोड़कर साहिबा थैंक यू मैम, धन्यवाद। और मोहतरमा वैशाली मैडम का इस्तकबाल सुल्तानबाजी करेंगे शकीला खान जी हैं वैशाली मैम थैंक यू मैम, धन्यवाद। और आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर पश्चिम अध्यक्ष शकीला बानो इनका इस्तकबाल यास्मीन बाजी करेंगे किया जा रहा है। और ये प्रोग्राम शरद पवार साहब कौमी सदर राष्ट्रवादी कांग्रेस की 80वीं योम पैदाइश के मौके पर मगरबी हल्के के सदर मोहतरमा शकीला खान साहब की जानिब से असातिज़ा को उनके कामों का एतराफ करते हुए ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। और इस प्रोग्राम में असातिज़ा के लिए सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की सदारत तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब के लिए एक शेर मैं अर्ज करती हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आज के प्रोग्राम के जो सदर है तो राष्ट्रीय सचिव मीना ताई खरे आज के प्रोग्राम के सदर है। और शहर अध्यक्ष मेराज पटेल साहब जोधपुर साहिबा मेहमाना ने खुसूसी है, ठीक है। और बाकी राष्ट्रीय सचिव गजाला जमादार, नगर सेविका सलमा बाजी, महाराष्ट्र सचिव अल्पसंख्यक सलमा बेगम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मंजूषा पवार, मध्य अध्यक्ष शमा परवेज, शहर उप अध्यक्ष अनीसा खान, कविता होड़कर और वैशाली साहब भी आज के प्रोग्राम के मेहमानाने खुसूसी हैं। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम इन लोगों का जो है तो इस्तकबाल करते हैं स्कूल की जमजम स्कूल जमजम उर्दू प्राइमरी स्कूल सादत नगर की जानिब से हम इन तमाम मेहमानाने खुसूसी और खासतौर पहले सदर का उसके बाद तमाम मेहमानाने खुसूसी का इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय सचिव मीना ताई खरे सदर का इस्तकबाल मोहतरमा यास्मीन सुल्ताना करेंगे। इसके बाद शहर अध्यक्ष मेराज पटेल साहब का इस्तकबाल सुल्तानाबाजी सुल्ताना बेगम करेंगे। तालियों से भरपूर इंशाल्लाह। इसके बाद राष्ट्रीय सचिव गजाला जमादार का इस्तकबाल सदर अंजुम करेंगे। नगर सेविका सलमा बाजी का इस्तकबाल नसरीन बाजी करेंगे।